आज के लेक्चर में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पे बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एटम के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही केवल केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप वन की। ग्रुप वन जो होता है, इसको हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। ग्रुप वन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वन, यानी जितने भी एल्कली मेटल होंगे सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा। जो ग्रुप टू है, जिसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है टू, यानी कि दो होती है। जो हमारा 13वां ग्रुप है, यानी कि 13, इसको हम बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 होती है। जो हमारा ग्रुप 14 है, यानी कि इसको हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप 15, यानी 15वां ग्रुप, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम होता है, इसको हम निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है निकोजेंस। जो ग्रुप नंबर 16 है, उसको हम ऑक्सीजन फैमिली या चैलकोजेंस के नाम से जानते हैं और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 6। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। और लास्ट में हमारा है ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्रुप 1 है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रुप 13 है, यानी पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ग्रुप 13 है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम। सोडियम जो है वो 11th नंबर पे आता है और ये एल्कली मेटल है, यानी कि यह किस ग्रुप का है, ग्रुप 1 का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1, कितना हो गया, 2, 2, 4, 6, 10, 11। जो 1s है ये तो हमारी पहली कक्षा है, यानी KCl है। 2s, 2p ये L हो गई। 3s ये हमारी M सेल है और हम देख रहे हैं कि जो सबसे बाहरी सेल है हम पे हमारी कौन है, M, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1। यानी कि जो सोडियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। और हमने पढ़ा भी था कि जो एल्कली मेटल होते हैं ना, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। देख भी लिया कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल से देखते हैं। दूसरा हमारा है मैग्नीशियम, 12 नंबर पे आता है और मैग्नीशियम जो है ये हमारा एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है। ये है एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, यानी कि ग्रुप नंबर 2 का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये होगा 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2। ये 1s हमारा हो गया पहली कक्षा, यानी कि K, 2s, 2p हो गए L में और 3s हो गया M में। तो ये हो गया हमारी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा यहाँ पे अंतिम कक्षा है, यानी कि सबसे लास्ट वाली कक्षा ये हमारी M हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें कितना, 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। और हमने अभी पढ़ा था कि जो एल्कलाइन और एलिमेंट होते हैं ना, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2 होती है। आगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं बोरान की। बोरान नंबर आता है ग्रुप नंबर 13 में, यानी कि 13वां ग्रुप आ गया। इसके लिए होते हैं, हम बात करते हैं बोरान की, यह आता है ग्रुप नंबर 13 में, यानी कि 13वें ग्रुप में। और ये आता है कितने नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम
लिथियम बेरिलियम बोरान, ये फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं 1s 2 2s 2 2p 1 5 हो गया। 1s तो हमारी होगी पहली कक्षा के और 2s 2p होगी m। इस बार हम देख रहे हैं कि सबसे बारी वाली कक्षा अब m होगी और इस कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, s में 2 है और p में 1 है, यानी कि जो बोरान है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हमारे पास कितने 3। और हमने पढ़ा भी था कि जो ग्रुप नंबर 13 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। अगला एग्जांपल देखते हैं, बोरान के बाद देखते हैं कार्बन। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन हो जाएगा इसका 1s 2 2s 2 2p 2। 1s हमारी पहली कक्षा k होगी, 2s 2p ये हमारी दूसरी कक्षा, सॉरी यहाँ पे बोरान में ये L होना चाहिए, L में 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा L है हमारा और इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, S में 2 और P में 2, तो टोटल कितने हैं 4। तो इस तरह से जो कार्बन है उसका सबसे बाहरी वाली सेल जो है वो L सेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने दिख रहे हैं हमें 4, इसलिए कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो हमने देखा अभी कि बोरान फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारा 3, कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं 4 यानी 4। फिर आगे देखते हैं नाइट्रोजन जो आता है हमारा, इसका भी ना देखते हैं 1s 2 2s 2 2p 3 हो जाएगा, 2 4 3 7। 1s हमारी k सेल है, 2s 2p l सेल में और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बारी कक्षा में हमारे 2 3 5, यानी नाइट्रोजन के सबसे बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 5, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए कितने हैं 5। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन जो आता है 8 नंबर पे, कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 4 2 2 4 4 8। 1s ये हमारी होगी k सेल है और 2s 2p होगी l, इसमें टोटल l सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें कितना 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 2 6, यानी कि जो ऑक्सीजन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। इस बार नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं ऑक्सीजन के बाद लिखते हैं फ्लोरीन, ये 9वें नंबर पे आता है ना। नेक्स्ट लिखते हैं फ्लोरीन जो आप हैलोजन फैमिली का है और 9th नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s 2 2s 2 और 2p 5। अब देख रहे हैं कि 1s तो हमारी k सेल है, 2s 2p l सेल है और l ही इस बार बाहरी सेल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हमें दिख रहा है 5 to 7। तो बोल सकते हैं कि जो फ्लोरीन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्या हैलोजन है, हमने पढ़ा भी था अभी कि हैलोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। अब लास्ट हम देखते हैं नियॉन, नियॉन है हमारा 10 और एटॉमिक नंबर 10 है, इसका कॉन्फिगरेशन देखते हैं, ये हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6। 1s हमारी फर्स्ट सेल है k सेल, 2s 2p सेकंड सेल होगी l सेल और ये इस बार l ही बाहरी सेल है और टोटल इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है इसमें कितने 2 6 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 8। और हमने अभी पढ़ा था कि जो नोबल गैसेस होती हैं यानी ग्रुप नंबर 18 उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और नियॉन एक नोबल गैस है। तो इस तरह से हमने सारे ग्रुप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना सीख लिया। ओके।